इधर देखो लोकल ट्रेन आ गई है भाई। लोकल ट्रेन के ही आते ही ये देखो महिलाएं उतर भी नहीं पा रही हैं, लोग चढ़ने के लिए एकदम धक्का मुक्की चालू कर दिए। पूरा ये लेडीज कोच है, और इतना ही नहीं इधर देखो जेंट्स का फर्स्ट क्लास का डिब्बा में लोग किस तरह से खिड़की ऊपर लटके हैं भाई। अभी इधर हम लोग ओवरब्रिज से नीचे उतर रहे हैं स्टेशन जाने के लिए, और सामने देखो कितनी ज्यादा क्राउड है अंदर। ये थाने रेलवे स्टेशन के बाहर का नजारा है, देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर स्ट्रगल करते हैं भाई। ऊपर देखो ऊपर भी काफी ज्यादा क्राउड है, और इधर बस से सफर करने के लिए लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। हे गाइस, स्वागत है आप सभी का प्रिंस ऑफिशियल ब्लॉग के एक और नए वीडियो में। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं मुंबई के थाने रेलवे स्टेशन से मात्र 100 मीटर की दूरी पे। दोस्तों बहुत सारे लोगों को मुंबई में आना कमाना और यहाँ पर रहना और यहाँ की स्ट्रगल लाइफ ना उनको आसान लगती है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको मुंबई की एक ऐसी सच्चाई को दिखाने वाले हैं जिसको देखने के बाद भाई साहब आप लोगों की रूहें जो है ना काँप जाएंगी। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर लोकल ट्रेनों से सफ़र करना आसान लगता है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि मुंबई में जो महिलाएं, जो जेंट्स लोग यहां पर लगातार मतलब काम करते हैं, रोज़ाना यहां पर मुंबई लोकल ट्रेनों से सफ़र करते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी होती है और वो लोग किस तरह से सफ़र करते हैं। वहां पर लेडीज़ ना आपस में धक्का मुक्की करती हैं भाई साहब, लड़ाइयाँ हो जाती हैं और दौड़ के लोकल ट्रेनों में चढ़ना पड़ता है, मतलब इतनी मुश्किल होती है ना कि कहिए मत। और यहाँ की लाइफ जीना भाई साहब सभी लोगों के लिए आसान नहीं होता है। मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में पूरा नज़ारा दिखाऊंगा कि मुंबई की लोकल ट्रेनों में महिलाएं किस तरह से धक्का मुक्की करके चढ़ती हैं, किस तरह से खिड़कियों पे लटक लटक के लोग सफ़र करते हैं। और इतना ही नहीं, जो मुंबई लोकल ट्रेन का फर्स्ट क्लास का डिब्बा होता है ना भाई, उसमें भी इतनी क्राउड होती है कि लोग खिड़कियों पर लटकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें आसान लगती हैं, बट मुंबई में ज़िंदगी जीना इतना आसान नहीं है अगर आपके पास एक अच्छी खासी सैलरी नहीं है। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको मुंबई की लोकल ट्रेन की पूरी जर्नी दिखाने वाला हूं कि किस तरह से यहां पर महिलाएं और जेंट्स लोग सफ़र करते हैं, किस तरह से लोग अपनी ज़िंदगी जीते हैं। तो चलिए फिलहाल अब हम चलते हैं मुंबई के थाने रेलवे स्टेशन पे और आपको वहां का पूरा टूर कराते हैं और दिखाते हैं भाई। दोस्तों अभी हम लोग ओवरब्रिज के ऊपर ही हैं और सामने देखिए रेलवे स्टेशन पर कितना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है, और अभी हम अंदर चलेंगे और आपको वहाँ का पूरा नज़ारा दिखाएंगे भाई। थाने रेलवे स्टेशन के ओवरब्रिज से हम भी नीचे उतर रहे हैं और अंदर चलते हैं। पहले ये देखो, ये गजानन बड़ा पाव के सामने ही मैं खड़ा हूँ, और इधर देखो कितनी ज़्यादा क्राउड है, लोगों की स्ट्रगल लाइफ भाई। इस तरह से लोग बैग टांग टांग के सफ़र करते हैं, और ऊपर भी ब्रिज पर देखिए सामने बस स्टैंड है। हर जगह आपको मुंबई में इसी तरह भीड़ देखने को मिलेगी भाई, वो जेंट्स हो या महिलाएँ हों, कोई भी हो भाई, इसी तरह से उनकी ज़िंदगी होती है मुंबई में। कोई किसी से मतलब नहीं रखता है, बस अपने काम से मतलब भाई। और इधर देखो बस लगी हुई है, और बस में सफ़र करने वाले लोग इधर लाइन लगाकर खड़े हैं, मतलब भाई आपको मुंबई में चैन से ना सफ़र करने को नहीं मिल सकता है। अभी देखिए लोकल ट्रेन आ गई है ना, मैं अंदर आ चुका हूँ, और देखिएगा अभी उतरते हैं। ये देखो देखो अभी लोग उतरी नहीं है, तभी लेडीज़ लोग चढ़ने के लिए इधर से धक्का मुक्की करना चालू कर दिए भाई साहब। ये है मुंबई की लोकल ट्रेन में लेडीज़ कोच का हाल, देखिए लेडीज़ लोग आपस में लड़ने लग रही हैं भाई। ये देखो उतरने को नहीं मिल रहा है किसी को, किसी को चढ़ने को नहीं मिल रहा है। और इधर देखिए ये जेंट्स के फर्स्ट क्लास डिब्बे का हाल है, किस तरह से खिड़कियों पर लोग लटके हुए हैं, और ये फर्स्ट क्लास का डिब्बा है भाई। और स्टेशन पे देखिए कितनी ज़्यादा क्राउड ऑलरेडी पहले से खड़ी है, इन लोगों को चढ़ने को ही नहीं मिल रहा है। लेकिन इधर देखिए, इधर लेडीज़ किस तरह से खिड़कियों पर लटकी हुई हैं, आप लोग देख रहे होंगे भाई। इधर भी देखो मारामारी अभी भी चल रही है, देखो किस तरह से लोग खड़े हैं, हाथ से ऊपर के डंडे को पकड़ के लोग इस तरह से स्ट्रगल लाइफ जीते हैं भाई, सफ़र करते हैं। वो मैं आपको थाने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 का नज़ारा दिखा रहे हैं, और देखिए ये स्लो ट्रेन है 6:23 की कल्याण जाने वाली, और उस ट्रेन में ये हाल है। देखो ट्रेन चल दी है और सभी लोग खिड़कियों पर लटके हुए आपको नज़र आएंगे, वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो भाई। इसमें थोड़ा सा दिव्यांग वाला है इसलिए कम भीड़ है, और बाकी देखो बाकी आप डिब्बों के खिड़कियों पर देखो बस किस तरह से लोग लटके हुए हैं। तो ये है भाई मुंबई की लोकल ट्रेनों की असली ज़िंदगी, इसी तरह से आपको सफ़र करना पड़ता है भाई। वो महिलाएं हो, छोटे बच्चे हो या बड़े लोग हो, इसी तरह से आपको ना वहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं अंदर मिलती है, एकदम दब के खड़े होने पड़ते हैं, मतलब क्या पूछो भाई, एकदम नर्क भरी ज़िंदगी हो जाती है कभी कभी। तो यहाँ पर देखो अभी भी कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो भाई फाइनली इस वीडियो में मैंने आपको मुंबई की लोकल ट्रेनों में किस तरह से लोग ट्रेवल करते हैं भाई, किस तरह से मुंबई की लोकल ट्रेनों में क्राउड होता है, महिलाएं किस तरह से चढ़ती हैं ट्रेनों में, उनके कोच में कितनी ज़्यादा क्राउड होती है, सब कुछ दिखा दिया है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें आसान होती हैं कि हम भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र कर लेंगे आसानी से, तो ऐसा नहीं है भाई। अगर आप लोग गाँव से पहली बार आओगे ना तो आपको काफ़ी दिक्कतें होंगी, बहुत ही मतलब धक्का मुक्की करना पड़ जाएगा, आप लोग अपने स्टेशन पर उतर ही नहीं पाओगे, ऐसा सिचुएशन आ जाता है भाई। तो उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल
प्रिंस ऑफिशियल ब्लॉग को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। जल्दी गाइज मिलते हैं नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।